भाईंदर येथील नवघर पोलिसांनी दोन अशा आरोपींना अटक केली आहे जे फिल्मी स्टाईलमध्ये पोलिसांचं वेषांतर करून मीरा भाईंदर आणि आसपासच्या परिसरात फिरत असत आणि कारच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक करत होते. पण या चोरांचा खरा चेहरा समोर आला तो इमारतीत लावलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमुळे. 17 एप्रिलला भाईंदर येथील इंद्रलोक फेज 8 मध्ये चोरीची घटना घडली होती आणि ही चोरी इमारतीमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली होती. सीसीटीव्हीच्या पुराव्याच्या आधारावर नवघर पोलिसांनी या दोन चोरांना अटक केली आहे. तसेच त्यांच्याकडून चोरीचा माल देखील जप्त करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे हसन नूर मोहम्मद शेख आणि इम्रान उस्मान खान अशी आहेत. दोघेही भाईंदर मधीलच निवासी आहेत. या दोघांवरही चोरीचे कित्येक गुन्हे दाखल आहेत. या संदर्भातील विस्तृत माहिती पोलीस निरीक्षक सुरेश गेंगजे यांच्याकडून आमच्या प्रतिनिधींनी जाणून घेतली. 22 तारीख को कंप्लेनेंट जयस मिश्री हमारे पुलिस थाने में आए थे. उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी कि उनके दुकान में से ये एक लैपटॉप मोबाइल और उसका चार्जर कोई चुरा कर ले गया है. इसके बारे में हमने मामला दर्ज कर कर पास वाले जो सोसाइटी थी उसमें से एक सीसीटीवी फुटेज मिला. उनमें से एक दो आदमी उस दुकान में जाकर वो मोबाइल और लैपटॉप लेते ऐसे दिखाई दे रहे थे. बाद में हमने एक टीम बनाई और उसके उसके ऊपर वॉच रखा. दूसरे दिन ये जो ये था एक्यूज था उसको हमने पकड़ लिया है. सर, ये चोर लोग किस तरह से आते थे और किस तरह से क्लू मिला आपको और आपको इसको पकड़ने में सहायता मिली? अब उनके पास एक सेंट्रो कार थी, उनमें से आते थे और ऐसे देखते थे कि ऐसे जगह पे कोई नहीं रहता तो वहाँ से वो अब चुरा कर भाग जाते थे. तो सर, जब अपने इस कार के लिए पूरे मीरा भाईंदर में जो एक स्पेशल टीम बनाकर नाकाबंदी करके उसके दौरान पकड़ा गया? नहीं, हमने हमारी एक स्पेशल टीम बनाई थी और सब उसके वो कार और ये जो आदमी दिख रहे थे ऐसे लोगों पर वॉच रखा था. बाद में वो फंस गए.